मुझे याद आ गया पापा, जब मैं बेहोश था तो वो गुंडे बार बार किसी एके से बात कर रहे थे। एके भैया, हो सकता है कि ये आदमी और जिससे वो गुंडे बात कर रहे हो दोनों एक ही। और पापा, हो ना हो, इन दोनों का देव से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। करण, अब तो हमें पूरा विश्वास हो गया है, लता दीदी को फांसने वाला और कोयल का पति एक ही इंसान है। करण, मेरी फ्रेंड की मेल आई क्या, प्लीज चेक कर। हाँ, मेल। नहीं बात। अच्छा, मैं काम करती हूँ, मैं उसको फोन करती हूँ, कहती हूँ कि जल्दी मेल करे। हाँ, उसे जल्दी फोन करिए भाभी, कल शादी से पहले सारा सच सामने आ जाना चाहिए। मैं करती हूँ, मैं फोन देना। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। ए प्रकाश बेटा, ये कनिका अभी तक नहीं लौटी, आखिर वो गई कहाँ है? मामा जी, जब हमारी फोन पर बात हुई तो कह रही थी कि एक डॉक्टर के पास जा रही। हमने कहा हम ले चलते हैं, लेकिन वो कह रही चली गई और अब हमारा फोन भी नहीं ले रही। समझ नहीं आ रहा कहाँ चली। वो आ गए। कनिका जी, कहाँ चली गई थी आप? हम सब कितना परेशान थे आपके लिए। अगर हमारा फोन नहीं लेना था तो एक कॉल ही कर देती। हम आपको देखने के लिए डॉक्टर के वहां भी गए थे, तब तक क्लिनिक भी बंद हो चुका था। प्रकाश भैया, कनिका डॉक्टर के पास नहीं बल्कि शूटिंग के लिए गई। क्या? ये तुम कैसे कह सकती हो? तुम्हारे मेकअप से साफ नजर आ रहा है कनिका। कनिका, तुम काम करो, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर माँ को गए 13 दिन भी नहीं हुए और तुम झूठ बोल रही हो। तो फिर और क्या करूं मैं? सबको बता दूं कि मैं प्रेग्नेंट हूं? वजह से वेट पुट ऑन कर रही हूं। एड्स में भी मम्मी के कैरेक्टर्स मिलते हैं मुझे, लेकिन ये सब मैं अपने शौक के लिए नहीं करती हूं, अपने होने वाले बच्चे के फ्यूचर के लिए कर रही हूं। कनिका, पापा, मौका और पैसा किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे। हरे ससुराल में तुम्हें किस चीज की कमी है, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं यहां पर एक एक पल कैसे गुजारती हूं। Thank you.
कैसे हो करण? आप यहाँ इस वक्त? अरे यार, सामने शॉपिंग प्लाजा नहीं है, वहां मैं शादी के एक जरूरी काम से आया हुआ था। बाहर निकला तो तुम्हारी गाड़ी देख, सोचा ऊपर चल के तुम्हें हाय किया। यार शादी के पहले इतनी देर रात तक काम करना अच्छी बात है, लेकिन शादी के बाद अगर ऐसा करोगे ना तो ये लता दीदी नाराज हो जाएंगी। ठाकुर की बेटियां हैं, इन्हें संभालना इतना आसान नहीं है। एक्सपीरियंस से क्या, और तुम्हीं ने कहा था तुम मेरे जैसा दामाद बनना चाहते हो। एक अच्छा दामाद बनने के लिए काम, बीवी, घर, बच्चे सब बैलेंस करना पड़ता है। एनीवे, मैं चलता हूँ, घर पे सब वेट कर रहे हैं। ओके बाय। आबा, हाथ दिखा। क्यों? कुछ नहीं हुआ है करण, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम ठीक हो ना? हाँ, चले। नहीं, एक मिनट, वो एनवलप देख लेते हैं। ये देखो। देव, देव, देव आशीष, देव आशीष, देव आशीष, देव, सब देव के नाम के हैं। पर करण कुछ तो गड़बड़ है, हमें तब तक ये भी नहीं पता चला कि माँ की गीता से क्या मतलब था। कल शादी है करण, हमें कल तक पता लगाना होगा कि सच क्या है। हम नहीं चाहते कि दीदी के साथ कुछ भी गलत हो। और करण, ये भी तो हो सकता है कि देव को हम पर शक हो गया तो उसने सारे पेपर्स बदल दिए। ठाकुर साहब की किसी दुख भरी कहानी का पन्ना होगा। मामी, हम अभी आते हैं। अरे कहाँ जा रही हो इस वक्त? अबा, तुम्हारी बहन की शादी है, लड़के वाले बस आते ही होंगे। माना कि घर में ही शादी, मगर काम तो करना ही पड़ता है ना। मामी, हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अच्छा जब बाहर जा रहे हो ना, एक मिनट, थोड़ा सा सामान मंगवाना था, मैं लिख के देती हूँ। जल्दी दीजिए। हाँ हाँ हाँ, जल्दी। एक मिनट, बस हो गया। आभा, मेरे फ्रेंड ने मेल कर दिया दोबारा से, एक एक सारे डिटेल्स भेज दिए। जल्दी, वहां यही हमारी आखिरी उम्मीद है। क्या हो रहा है करण? पता नहीं भैया, लॉगिन नहीं हो रहा है, कनेक्शन प्रॉब्लम्स है शायद। मैं एक बार कस्टमर केयर फोन करता हूँ। करण छोड़िए ना कस्टमर केयर, हम साइबर कैफे में जाके चेक करते हैं ना, टाइम नहीं है। जल्दी चल, जाओ जाओ जाओ, हम आते हैं। ओके ओके। मैंने आपका काम कर दिया है, वो लोग मेल नहीं चेक कर पाए और जल्दी में साइबर कैफे के लिए निकल गए। आइए आइए आइए, सुस्वागत, आइए बैठिए। चौंक गए ना पंडित जी कि आपने मुझे ब्यूटी पार्लर जाने नहीं दिया, फिर भी मैं इतनी सुंदर कैसे लग रही हूँ? अरे वो तो मैं वैसे भी सुंदर हूँ, आज भी जब सड़क पर चलती हूँ ना तो लोग मुझे देखकर रुक जाते हैं। हाँ वो तो रुकेंगे, अजीबो गरीब नमूने को अच्छी तरह से देखने के लिए। अरे छोड़ो, आज भी देख लेना, आपकी इस बंगालन समदन से भी ज्यादा बंगाली लग रही हूँ मैं। आपने कुछ कहा?
अब जी ये कह रही है कि आपकी जो सादगी है ये इन्हें बहुत अच्छी लगी। सॉरी रजिस्ट्रार, नमस्कार नमस्कार। बैठी। अरे सब लोग आ गए, ये आभा कहाँ रह गई? मैं अकेले कितने सारे काम करूंगी। शीतल तुम जाओ, जाके देखो लता तैयार हुई कि नहीं, जाओ। हम लेकर आते हैं लता को। हम ना अपनी पहली वाली लता को देखना चाहते हैं। कितनी अच्छी तरह से संवरती थी, बनती थी। नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी है तो दिल से करनी चाहिए, है ना? माँ की याद आ रही है बेटा? ये कभी मत समझना कि चंद्रप्रभा हमारे साथ नहीं है, वो यही है हम सबके बीच। उनकी नजरें हैं बेटा तुझ पर, हर पल रक्षा कर रही हैं वो बेटा तेरी। चलो तुम दोनों तैयार हो गए, निकले। तो भैया मैंने लता जी के लिए कुछ गिफ्ट्स ऑर्डर किए, बस उनकी डिलीवरी का वेट कर रही हूँ। मैं और तन्वी बाद में आ जाएंगे। चलो तन्वी, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। देख के नहीं चल सकती, ये क्या किया तुमने? क्या किया का मतलब क्या है? तुम उसे ध्यान से नहीं ले जा सकती, उसका मन नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो? वो भैया मैंने सोचा वो यहाँ अकेले क्या करेगी, बस इसीलिए। तुम जाओ, मैं उसे ले आता हूँ। अगर मैंने तन्वी को यहाँ पे भैया के साथ छोड़ दिया और उसने आभा की माँ के बारे में बोल दिया तो? भैया आप लेट हो रहे होंगे ना, मैं और तन्वी देख रहे हैं उसकी तबीयत ठीक है। मैंने कहा ना तुम जाओ, मैं उसे ले आता। लेकिन मैंने कहा ना तुम जाओ। हमें पिताजी को फोन करके अभी बताना चाहिए, पता नहीं फोन कहाँ चला गया। दीदी को फोन करते को फोन दो। क्या तुम लोगों को आने में देर होगी? लेकिन करण बंद करो अपनी, तुम्हारे और देव का सच हमारे सामने आ चुका है। सबको बता दूंगी कि
तुम दोनों थोड़ा देर से आ रहे हो। ज्यादा स्मार्ट। क्या हुआ? गाड़ी में बैठो। छोड़ेंगे नहीं कोई, छोड़ेंगे नहीं उसे। हम अपनी माँ की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। क्या क्या हुआ कंच? वो करण का फोन था, उसने कहा है कि वो लोग लेट हो जाएंगे, इसलिए शादी रुकनी नहीं चाहिए, शादी मुहूर्त पे ही होनी चाहिए। तो अब शादी कर लेते हैं फिर। दीदी के साथ जो जबरदस्ती हुई है वो भी देव ने की होगी। घर पे फोन करो और पापा को बोलो सबको लेकर राघव मामा के यहाँ पहुंचे। तो आप फॉर्मेलिटीज शुरू कर दीजिए। हेलो हेलो करण, तुम कहाँ हो? देवर लता जी की शादी तो नहीं होगी? मैं घर पे नहीं हूं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? करण, I'm sorry। कोई ने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया है। उसने मुझे अंधेरे में रखा कि देव और वो पहले से शादीशुदा है। हम भी नहीं जानते थे, अभी पता चला है बस। डोंट वरी करण, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अब मैं कोयल को लता जी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं वही पहुंच गया। हम भी वहां पहुंच रहे अभी। हाँ अभी। मैं दूसरा पेन लेके आता हूं। एक मिनट, मैं जरा देखता हूं ये पेन काम कर रहा है कि नहीं। मैं देख लेता हूं ये। हाँ ये चल रहा है, चल रहा है। और ये है सबूत।
मुझे लिखा अपने दीदी, यही सच है। कोयल और देव आपके गुनेगार, ये दोनों हमारे पूरे परिवार के गुनेगार हैं, ये दोनों हमारी माँ की कातिल हैं। हमारी माँ की जान लेके जा, दिल नहीं भरा जो हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करने चला है। जिंदा नहीं छोड़ेगा तुझे, खून भी लाएगा तेरा। पहचानता ना उसे, आभा जी के माँ का ही है ना। क्या जवाब देते हम चंद्र बाबा को? अपने बहन के हर पाप का प्रायश्चित मैं करूंगा। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ सजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायत मनोहरी। जानता हूं कि मेरी बहन की वजह से आपको जो तकलीफ हुई है, लेकिन आप सब मेरा यकीन मानिए, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ मेरे बहन के प्यार के मोह में किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। आपको जो भी दुख मिला है
जो भी आपको सहना पड़ा है मैं कोशिश करूंगा कि आपको उससे ज्यादा खुशियां दे दूं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी सच्चाई साबित करने के लिए मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर मेरी बातों पर जरा भी विश्वास हो तो मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए ठाकुर साहब, एक मौका। ये मैं आप पर और लता जी पर छोड़ता हूं। लता जी, मैंने आपके परिवार को आपके लिए आंसू बहाते देखा है। मैं हमेशा उस इंसान को कोसता रहूंगा जिसने आपके साथ ऐसा सलूक किया था, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस पाप में मैं भी हिस्सेदार बन जाऊंगा। मैं आपको फैसला लेने में मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। हो सके तो आपने सारे दुख मुझे दे दो। हम तुमसे जबरदस्ती कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।